14 पोजीशन पर कंपनी है जीप, जिसने गाड़ियां बेची है 685 यूनिट ओनली। तो बढ़ते हैं आगे, 13 पोजीशन पर है सिट्रोइन, जिसने गाड़ियां बेची है 804 यूनिट। तो 12th पोजीशन पर आई है निसान मोटर्स, इसने गाड़ियां बेची है 2803 यूनिट। तो 11th पोजीशन पर आई है वोल्सवैगन, इसने गाड़ियां बेची है 2906 यूनिट। देखा जाए वोल्सवैगन की बिक्री घटी है अगर पिछले महीने के हिसाब से कंपेयर करें। तो बढ़ते हैं आगे, 10th पोजीशन पर आई है रेनॉल्ट, इसने गाड़ियां बेची है 3008 यूनिट। तो लुढ़क के रेनॉल्ट भी 10th नंबर पर आ गई है। देखा जाए पिछले महीने शायद ये 7th या 8th पोजीशन पर थी, तो इस बार इसकी भी सेल घटी है शुरुआत के महीने में ही। तो 9th पोजीशन पर आई है स्कोडा, जिसने गाड़ी बेची है 3818 यूनिट। ये कंपनी बहुत बढ़िया कमाल कर रही है इंडियन मार्केट में, मतलब सेल्स इंक्रीज हुई है इस बार इसकी। तो 8th पोजीशन पर आई है मोरिस गराजिस MG, इसकी बहुत बढ़िया सेल हुई है शुरुआत के महीने में ही। और देखा जाए इन्हें MG हेक्टर का फेसलिफ्ट भी लॉन्च कर दिया है, और अब तो हो जाए अच्छे कमाल करेगी है। तो इसने गाड़ियां बेची है 4114 यूनिट। तो 7th पोजीशन पर आई है हमेशा की तरह होंडा, इसने गाड़ियां बेची है 7821 यूनिट। बेसिकली इस साल होंडा वाले दो गाड़ियों को लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में, एक का तो इन्होंने टीजर शो कर दिया है, एक का बाकी है। तो देखते हैं कब तक लॉन्च करते हैं होंडा वाले नई गाड़ी को अपनी। तो 6th पोजीशन पर गाड़ी है, वो कंपनी है टोयोटा, इसने गाड़ी बेची है 12728 यूनिट। तो टोयोटा तो भैया अच्छा करती आ रही है और करेगी भी। तो 5th पोजीशन पर आई है किया, जिसने अब की बार बहुत बढ़िया स्कोर किया है। तो इसने गाड़ी बेची है 28034 यूनिट, पिछले महीने के हिसाब से देखें तो इसने कम से कम 50% का ग्रोथ देखा है इस बार। तो 4th पोजीशन पर आई है हमेशा की तरह महिंद्रा, जिसने गाड़ियां बेची है 33040 यूनिट। भाई महिंद्रा को हम किंग ऑफ SUV कह सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी इकलौती कंपनी है जो सिर्फ SUV पर ध्यान देती है और बड़ा अच्छा स्कोर कर रही है। तो 3rd पोजीशन पर आई है टाटा, जिसने गाड़ियां बेची है 47990 यूनिट। मतलब टाटा के ने ही शुरुआत में के महीने में लगभग 50,000 का आंकड़ा पार छूने के करीब हो ही गई है। तो भाई अगले महीने शायद 50 का भी पूरा कर दे। तो टाटा कंपनी बहुत अच्छा कर रही है मार्केट में। तो 2nd पोजीशन पर आई है हमेशा की तरह हुंडई, तो जिसने गाड़ियां बेची है 50106 यूनिट। अगर कंपेयर करें पिछले महीने के हिसाब से तो इसमें भी बढ़ावत देखने को मिली है इस कंपनी को भी। तो सेंचुरी मार ली है इसने भी, सेंचुरी को हाफ सेंचुरी मार ली है। तो 1st पोजीशन पर आई है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी, जिसने गाड़ियां बेची है 147348 यूनिट। लगभग ये मान लो आप 1.5 लाख का आंकड़ा छूने से रह गई है। और अभी तो इसकी जिम्नी और फ्रोंक्स भी आने वाली है, जिसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो मार्केट में तबाही मचाएगी। तो बस ये है 14 कंपनी जिन्होंने सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेची है जनवरी 2023 में। तो बस इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।